वो जब ऑन हो जाएगा, वो तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, उसके बाद आप इमीडिएटली रितिका जी आपका स्वागत है, ओवर टू यू फ्रॉम हियर। यस थैंक यू कैलाशी फॉर गिविंग माय इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू संपर्क फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एम आई ऑडिबल? यस रितिका जी यस यस वी आर एबल टू हियर यू क्लियरली। Okay, thank you, Kailash ji, for giving my introduction, and thank you, Sampath, for giving me this opportunity. It's a pleasure. It is my pleasure to be on this platform and giving presentation to all the Sampath members, and I welcome all the Sampath members who have joined today. Yes, shall we start or shall we wait for some more time? Kailash ji, please go ahead. We cannot wait anymore. लोग खुद ही join होते रहेंगे. Okay. So let us all begin. जब हम कभी भी कोई अच्छा काम करते तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी प्रेयर से शुरू करते हैं। तो आज भी हम एक छोटी सी प्रेयर से शुरू करते हैं। If possible, join your hands and keep it close to your heart. आप मुझे सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to our spiritual teacher, we humbly invoke for your divine blessings, your guidance, your protection, your healings आज तरफ यस ये प्रेजेंट सर मैं मेरा स्क्रीन इसमें प्रेजेंटेशन हो जाएगा ठीक है जी वॉइस की प्रॉब्लम है रितिका आपका स्क्रीन दिख रहा है पर थोड़ा सा वॉइस कट रहा है आप अभी फिर से ट्राई कीजिए बोलना हमको समझ आ जाएगा ओके अभी आवाज आ रहा है हाँ अभी आ रहा है ओके सो लेट अस ऑल स्टार्ट विद टुडेस सेशन So today's topic of this session is explore your healing power. ये self explanatory है. What is this session all about? It is about healing. It is about your healing power. Yes, we all have inherent ability to heal ourselves. Not only ourselves, but with this ability. We can heal others as well. Yes, we have got immense potential in us, in all of us. Each one of us has this potential by using which we can not only heal ourselves, but we can heal others as well. Yes, there is a heal each one of us. Yes, are you aware? Do you want to know about this potential? Yes. Yes. So before knowing this, before going ahead, let me first ask you a question. When we are talking about healing, why do we need healing? Obviously, कुछ hurt हुआ है, कहीं कुछ problem हुआ है, तभी तो हमें healing की जरूरत है। कुछ गलत हुआ है उसी को तो हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो why do we need healing? That means, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है अब ये गड़बड़ कहाँ हुआ है उसके लिए हम समझते हैं कि what is health? Obviously, हम जब healing की बात कर रहे हैं तो obviously हम अपनी health की बात कर रहे हैं अपनी अपने फिजिकल इमोशनल मेंटल हेल्थ की बात करें जिसे हम हील करना चाहते हैं
तो पहले हम समझते हैं कि ये हेल्थ क्या है। WHO के हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। दैट मीन्स हम फिजिकली इमोशनली और मेंटली ही नहीं बल्कि हमें सोशली भी फिट होना है। ये सब लेवल्स पे जब हम हेल्दी हैं तभी हम जब हम फिट हैं तभी हम हेल्दी कहलाते हैं, राइट। बट हम क्या करते हैं? सी वी ऑल हैव इमेंस पोटेंशियल। दिस ह्यूमन बॉडी इज अ मिरेकल ऑन मदर अर्थ। बट आर वी यूजिंग दिस मिरेकल properly? Are we utilizing our potential properly? हमारे अंदर बहुत potential है। जैसे कि एक bucket अगर पानी से भरा हुआ था तो उसमें बहुत potential था, but हम क्या करते हैं? क्या हम अपने इस body को बहुत अच्छे से use कर रहे हैं? जो जो habit, जो जो हमें करना चाहिए क्या हम वो कर रहे हैं? Obviously नहीं। हम अपनी अलग अलग हैबिट से, रॉन्ग ईटिंग हैबिट से, रॉन्ग लाइफ स्टाइल से अलग अलग लेवल्स पे इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे फिजिकल लेवल पे हम बैड ईटिंग हैबिट्स, बैड वर्किंग हैबिट्स, बैड लाइफ स्टाइल, ओवर वर्क करके हम फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस ये सब क्रिएट कर रहे होते हैं और हम इमोशनली इस बॉडी को बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे मेंटल इश्यूज हैं, हमें बहुत डर, डाउट्स, फोबियाज हैं और हम कॉन्स्टेंटली ये इन्हीं नेगेटिव इमोशंस थॉट्स में रहते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा पोटेंशियल है उसका क्या होता है? जैसे ये आप लीकिंग बकेट देख सकते हैं, ये जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे पूरा लीक होते जाता है हमारे बॉडी से। इसके अलावा हमारे बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स के अलावा और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, सोशल इश्यूज, ये सब इश्यूज की वजह से हम अपने इस बॉडी के पोटेंशियल को, हीलिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे जो है उसको खराब करते, अपनी हेल्थ को हम अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय करते हैं। पर अब हम क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी ऑल वांट? ऑब्वियसली हम सबको हील होना है, हम सबको इसके लिए कोई सोल्यूशन चाहिए। वी ऑल वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड लिव अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ, अ पीसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ, राइट। हम सबको एक अबंडेंट और प्रॉस्पर जिंदगी जीनी है। सो उसके लिए ऑलरेडी साइंस बहुत सारा वर्क कर रहा है, बहुत सारी पैथीज आ गई है, जैसे एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है। ये सब पैथीज दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गिव अस सॉल्यूशंस टू रीगेन दिस हेल्थ एंड टू रीस्टोर आवर हेल्थ। इसके अलावा और पैथी है जिसमें हमें लेने की जरूरत नहीं है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जिससे हमें पेशेंट की सामने रहने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? सो दिस पैथी इज एनर्जी हीलिंग मोडालिटी, दिस इज योग प्राण utilizes prana to transform the energies and heal at physical, emotional and mental levels. ये हर एक लेवल पे हमारी हीलिंग करता है, वो भी कैसे? बिना टच के, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। वो कैसा होता है? वो एनर्जी होती है हमारी जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करके नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी।
these simple yet very powerful and highly developed and scientifically tested system. What techniques simple hoti hai, and through various techniques of rhythmic yogic breathing, forgiveness sadhana, planetary peace meditation, we can heal ourselves and others at all levels. Yoga prana vidya ke do aspects hai. Ek hai spiritual aur ek hai physical. Physical matlab healing. आज हम हीलिंग के बारे में समझते हैं. हम आज इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के करेंगे, हीलिंग के बारे में बात करेंगे. सो इस पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. आप लोग को इंटरेक्ट करना पड़े बहुत, आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा चैट बॉक्स में. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. आर यू ऑल रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस? Yes. Are you all ready to answer my questions? Yes, I am not able to hear you all. Yes, ma'am. Ritika ji, all members are typing in chat box. Chat box pe, yes. Okay. आप सुबह थोड़ा ठीक लग रहा था, बाद में थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा बुझा बुझा लग रहा है, थोड़ा डल लग रहा है. जब आपने अपना बॉडी टेम्परेचर चेक किया तो कुछ नहीं है या और कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ी देर के बाद या मे बी नेक्स्ट डे आपको कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम आई, मे बी फीवर आया, किसी को वॉमिटिंग आया, किसी को कुछ हुआ, क्या आप लोग के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है? कभी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है या आपने किसी अपनों को देख के ऐसा महसूस किया कि अरे आज तुम बहुत वीक लग रहे हो? उस समय तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर बाद में उसके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दिया. यस यस ओके. क्या आप, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और पूछती हूँ. क्या कभी आपको बैठे बैठे आपका मूड चेंज हो गया? आप जो भी मूड में थे, मे बी आप अच्छे मूड में थे, तो बैठे बैठे आपका मूड चेंज हो गया और आपको अचानक से कुछ बुरी सी फीलिंग हुई. उस समय कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, बट थोड़ी देर के बाद या मे बी नेक्स्ट डे आपको कोई ऐसा न्यूज मिला जो अच्छा नहीं था, या मे बी इसका रिवर्स था कि आपका मूड अच्छा बुरा था और अच्छा हो गया और आपको कोई अच्छी न्यूज मिली. यस, एवरीबॉडी इज टाइपिंग यस यस. गोपाल जी, जीतू जी सब यस कह रहे हैं. ओके, सुभाष जी यस. ओके, तीसरा क्वेश्चन. आप कभी, आपको ऐसा हुआ कि आप अपने काम में बिजी और बैठे बैठे किसी की अचानक याद आ गई और आप सोच रहे कि मैंने आज इसको क्यों याद किया, इससे तो मुझे कोई काम ही नहीं था, इसका तो मेरे काम से कोई रिलेशन भी नहीं था, और थोड़ी देर के बाद या कुछ वक्त के बाद आपको उसका या तो कोई फोन आया या उसने आपसे किस व्हाट्सएप किया या आपसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट किया? ऐसा हुआ आपके साथ? ये काफी बार हुआ ऐसा. जीतू जी कह रहे हैं यस. अनिल जी यस. अमर जी ओके यस यस. एवरीबॉडी ऑफन लॉट ऑफ टाइम्स यस. ओके, अब आप एक एक और लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. कभी ऐसा हुआ कि आप आंख बंद करके बैठे हैं, आप अवेयर हैं बट आपकी आंखें बंद हैं, कोई आपके पास दबे पांव चुपके से आके बैठा बिना आवाज किए, पर आपको उसके होने का एहसास हो गया, आपको लगा, ये स्पेशली लेडीज में ये सेंसिटिविटी ज्यादा डेवलप्ड होती है. इनफैक्ट उसके साथ आपको अच्छा और बुरा फीलिंग भी आता है. नो, ओके, नो इश्यूज. अनिल जी को ये कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं. जब हम आंखें बंद करके बैठे और कोई, हम अवेयर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सोए हैं या अपने ख्यालों में खोए हैं. सतीश जी को भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ. ये ज्यादातर लेडीज में बहुत ये डेवलप्ड होता है कि कोई अगर दूर से भी उन्हें देख रहा होता है तो शी यू नो बिकम्स अवेयर, अरे कोई शायद देख रहा है दूर से. ओके, तो ये सब क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, राइट? यस, यू कैन फील. यस, ओके. कल्याणी जी कह रही है यस, ज्योति जी भी कह रही है यस. ओके,
अब इन सब का आंसर जो छुपा है वो मेरे नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे छुपा है. उसके पहले हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे कि क्या हम केवल ये फिजिकल बॉडी है, क्या हम केवल ये एक यही शरीर है कि हमारे और भी शरीर हैं? यस, हमारे और भी शरीर हैं. हमारा जो फिजिकल आईज है वो सिर्फ इस फिजिकल बॉडी को देख सकता है. आर आईज कैन ओनली सी विद इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट. और इसी स्पेक्ट्रम में ये हमारा फिजिकल बॉडी होता है, इसलिए हमें वो दिखाई देती है. बट क्या इसके परे भी कोई दुनिया है, इसके परे भी कोई वर्ल्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता? यस, इसी के परे, इस फिजिकल वो स्पेक्ट्रम के परे एक और वर्ल्ड है जिसमें ये हमारा राज छुपा है, ये जो हमें फीलिंग्स आती है, और वो है एनर्जी बॉडी. हमारा ये जो शरीर है जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, इसके अलावा हमारे और भी शरीर है, और जो दूसरा शरीर है वो है एनर्जी बॉडी. इसके अलावा और भी बॉडीज हैं. इस एनर्जी बॉडी को हम प्राणमय कोश कहते हैं, और इसे कॉमन टर्म्स में जनरली हम इसको ऑरा के नाम से बहुत फ्रीक्वेंटली जानते हैं. हम सब ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ऑरा. ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा. तो व्हाट इज दिस ऑरा? दिस इज द एनर्जी बॉडी जो हमारे फिजिकल बॉडी से इंटरकनेक्टेड है. इसके अलावा हमारी और भी बॉडीज हैं, जैसे इमोशनल बॉडी जिसे मनोमय कोश कहते हैं, मेंटल बॉडी जिसे ज्ञानमय कोश कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी जिसे आनंदमय कोश कहते हैं. बस आज हम लेकिन केवल एनर्जी बॉडी के बारे में समझते हैं. ये एनर्जी बॉडी कहाँ है? ये एनर्जी बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर से होते हुए कुछ दूर बाहर तक रहती है. ये हमारे शरीर के अंदर भी रहती है और शरीर के बाहर भी रहती है. चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी से बताती हूँ थोड़ा सा. इज माई स्क्रीन विजिबल? एम आई विजिबल? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा है. यस, ओके. कैन यू सी दिस ग्लास? यस, यू कैन सी दिस ग्लास. ये एक स्पॉन्ज है. ये जो स्पॉन्ज है, ये समझ लीजिए कि मेरा फिजिकल बॉडी है. ये मैंने यहाँ डाला. अब मैंने इसमें ये पानी डाल रही हूँ. ये पानी को आप कंपेयर करिए एनर्जी बॉडी से. ये मैंने डाला, तो अब ये पानी कहाँ है? ये पानी कहाँ है? ये स्पॉन्ज के अंदर भी है और स्पॉन्ज के बाहर भी है. यस, बोथ. यस, एग्जैक्टली ऐसे ही होती है हमारी एनर्जी बॉडी. हमारे इस शरीर में वो हमारे शरीर के अंदर भी होती है और हमारे शरीर के बाहर भी होती है. ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. इसीलिए जो भी कुछ एनर्जी बॉडी में होता है उसका असर मुझे फिजिकल बॉडी में दिखाई देता है, और जो भी कुछ फिजिकल बॉडी में होता है उसका एक रेप्लिका या उसका असर मुझे एनर्जी बॉडी में दिखाई देता है. तो अभी जो मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे थे उनका रिलेशन इस एनर्जी बॉडी से है. कुछ भी हमारे शरीर में जो भी एंटर करता है, पहले वो कहाँ एंटर करेगा? वो इस एनर्जी बॉडी में एंटर करेगा. कोई भी डिजीज हो, कोई भी फिजिकल डिजीज हो, कोई इमोशनल चीज हो, कोई मेंटल चीज हो, सब कहाँ आएंगी? पहले इस एनर्जी बॉडी में आएंगी. अब फिजिकली हम ले लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, यू नो, फीवर, ये और फीवर हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया. ये सब क्यों होता है? बहुत सारी जो डिजीजेस होती है पहले हमारे ऑरा में आती है, उनका हमें कुछ रिएक्शन महसूस होता है, बट ये हमारे ऑरा से एकदम हमारे शरीर में नहीं आती है, कुछ देर वहां रहती है. अगर वो बहुत देर तक वहीं रहती है और हमने उन चीजों का ध्यान नहीं रखा, हमने अपनी हैबिट्स ठीक नहीं करी, तो कुछ दिनों, कुछ समय के बाद में, नॉट इन अ डे और न मंथ, मे बी इन ईयर्स, वो हमारे फिजिकल बॉडी में डिजीज के रूप में आ जाती है. जैसे हमको पहले हमारे हमारे अगर ऑरा में कुछ आया डिजीज जैसा, हमें वीकनेस फील हुआ, हमें सुस्त लगा. क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा डल हो गया. इसकी वजह से हमारा रिएक्शन हमारे बॉडी में दिखा, हम थोड़े से डल, बुझे बुझे, वीक दिख रहे थे. वैसे ही इसमें इमोशंस का भी असर होता है.
जैसे किसी ने मुझे याद किया, बिकॉज इमोशंस आर ऑल्सो एनर्जीज, तो वो एनर्जी ट्रैवल करती है, तो किसी ने अगर मुझे याद किया तो वो इमोशनल एनर्जी मेरे इमोशंस को अफेक्ट करती है. ये इमोशंस भी हमारे ऑरा में ही रहते हैं. जो मेरे अंदर से जाएगा वो ऑरा में ही रहेगा, जो बाहर से आएगा वो भी इस ऑरा में रहेगा. तो इमोशंस इसीलिए हमको पहले महसूस होते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं. ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं. किसी ने अगर मेरे बारे में सोचा तो मुझे पहले उसका एक ख्याल आएगा, फिर उसका कॉल या उसका मैसेज आता है. क्योंकि वो जो उसने सोचा कि मैं कॉल करता हूँ या मैं मैसेज करता हूँ, वो पहले कहाँ आया? मेरे ऑरा में आया, फिर वो मेरे शरीर में आया. हम एक दिन में कम से कम 60,000 to 70,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं. मैक्सिमम उसमें से यूजफुल नहीं होते हैं, बट बहुत सा. और हमारी ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी होती है नेगेटिव थॉट फॉर्म्स की. तो अब ये सब कहाँ रहते हैं? वो हमारे इस ऑरा में ही रहते हैं. हम इमोशनली कैसे रहते हैं? ज़्यादातर आजकल की जो लाइफस्टाइल बन गई है, बहुत स्ट्रेस, बहुत रेस्टलेसनेस, ये सारे इमोशंस कहाँ रहते हैं? ये हमारे ऑरा में रहते हैं. हमारी हैबिट्स कैसी है? खाने पीने की, हमारे लाइफस्टाइल की, हमारी वर्किंग स्टाइल कैसी हो गई है? तो इन सब का इफेक्ट कहाँ होता है? इस ऑरा में. अगर इस ऑरा को हमने इतना डिस्टर्ब किया, ये जो ऑरा होता है ये हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है. अगर हम इसको हेल्दी नहीं रखते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती है, वो भी खराब हो जाती है. अब इतना सारा कुछ इस ऑरा में रहता है तो हमारी फिजिकल बॉडी हेल्दी रह सकती है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो अब अभी तक हमने ये समझ लिया कि ये एनर्जी का सिस्टम क्या है. अब हम थोड़ा सा एनर्जी बॉडी के सिस्टम को, इस ऑरा के सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं, और डीपली समझते हैं. पहले अभी तो हमने ये डिजीज सब कहाँ रहते हैं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सारी डिजीजेस इस ऑरा में रहते हैं. इस ऑरा का, एनर्जी बॉडी का सिस्टम क्या है? जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, इसका सिस्टम है. इस ये अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइडेड है. डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिला के हमारे फिजिकल बॉडी को सस्टेन और मेंटेन करते हैं. वैसे ही इस एनर्जी बॉडी का भी एक सिस्टम है. इसमें एनर्जी बॉडी बोलते हैं तो यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स होते हैं. ये एनर्जी सेंटर्स को हम चक्रास के नाम से जानते हैं. ये अलग अलग जगह पे हमारे एनर्जी बॉडी में लोकेटेड होते हैं, और ये हमारे पूरे एनर्जी बॉडी को एनर्जी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब वो एनर्जी कैसे फ्लो करती है पूरे एनर्जी बॉडी में? मेरिडियंस के थ्रू, जिन्हें हम हिंदी में नाड़ी कहते हैं. नाड़ी शास्त्र सुना होगा आपने. तो ये एनर्जी पूरे एनर्जी बॉडी में नाड़ी के थ्रू सर्कुलेट होती है. अगर हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है तो ऑब्वियसली ये एनर्जी सेंटर्स अफेक्ट होते हैं, ये मेरिडियंस, ये नाड़ियाँ अफेक्ट होती हैं. तो क्या होता है? एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है. अगर प्रॉपर नहीं होगा, कहीं ब्लॉकेजेस होंगे, कहीं कम होगी एनर्जी, कहीं ज़्यादा हो जाएगी. यानी कि कहीं कर्फ्यू लग जाएगा एनर्जी का, तो कहीं ट्रैफिक जाम हो जाएगा. इन दोनों ही केसेस में क्या होगा? हमारे ऑरा में प्रॉब्लम्स होंगी. अब हमारे ऑरा में जो प्रॉब्लम्स है उसका डायरेक्ट असर कहाँ होगा? हमारे फिजिकल बॉडी में. तो दिस इज द सिस्टम ऑफ एनर्जी हीलिंग, जिस इसी बेसिस पे हम हीलिंग करते हैं. ओके, मैं प्रेजेंटेशन वापस. So, what do we do in yoga pran vidya? हम योग प्राण विद्या में ये जो हीलिंग टेक्निक्स में हम ये जो डिजीज डर्टी एनर्जी है हम उनको निकालते हैं और फ्रेश एनर्जी से भरते हैं. ये देखिए, अगर कोई इंसान जो बहुत हेल्दी होता है, ये उसका ऑरा होता है. जैसे अभी मैंने जो बताया एनर्जी बॉडी, ये उसका ऑरा है. ये कैसा दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली पूरा क्लीन, ब्राइट, स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म है. लेकिन जब कॉन्स्टेंटली ये वेयर एंड टेयर से गुजरता है तो क्या होता है?
इसमें होल्स हो जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, ये डल हो जाता है। और सारी बीमारियां हमारे फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं, अभी अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये देखिए सारे थॉट फॉर्म्स नेगेटिविटी ये कहाँ है, हमारे इस ऑरा में है। अब हमने बेसिस तो समझ लिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, अब हम आते हैं हीलिंग की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है, हीलिंग, हमारी हीलिंग एबिलिटी। हम क्या करते हैं इसमें, ये जो ऑरा में इतनी सारी डिजीजेस हो जाती हैं, उनको हम निकालते हैं। किस कैसे निकालते हैं, आपको एक उसे बता, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है? ओके, आप लोग रिलैक्स होके बैठे। आपको रिलैक्स होना है, स्माइल करना है। आपके दोनों हाथ, ये जो हमारे हाथ होते हैं ना, इनमें हीलिंग पावर्स होते हैं। जो हमने ये सब प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, हम अपने इन्हीं हाथ अंदर ही वो, और वो हम इन्हीं अपने हाथों से निकालते हैं। अभी तो ये सब हम क्लास में सिखाते हैं सारी टेक्निक्स, पर मैं आपको सिर्फ एक इतना, जो हम एनर्जी कह रहे हैं, मैं आपको एनर्जी फील करवाती हूँ आज। एनर्जी को हम कैसे फील करेंगे, आप करना चाहते हैं मेरे साथ एनर्जी फील अपने हाथों से? ओके, तो आप लोग रिलैक्स होके बैठे। ये जो हमारे हाथ होते हैं, इसमें चक्रास होते हैं, सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स। आप अपने अपने हाथ ऐसे करिए, और यहाँ पे इन एनर्जी सेंटर्स को सबसे पहले एक्टिवेट करिए, इनको प्रेस करिए। सेंटर पे प्रेस करेंगे, इनको प्रेस करेंगे हम। फिंगर टिप्स को प्रेस करेंगे हम। दूसरे हाथ की फिंगर टिप्स, दूसरे हाथ का सेंटर यहां पे प्रेस करेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने सामने ऐसे रखेंगे। आपकी जबान तालू पे होगी, टंग टू योर पैलेट। जब मैं बोलूंगी इनहेल स्लोली होल्ड, तो आप, और एक्सहेल स्लोली होल्ड, आपका पूरा ध्यान आपके इन दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। आप फोकस करिए अपने दोनों हाथों में, अपने दोनों हाथों के बीच में रिलैक्स हो जाइए, स्माइल करिए। उसके बाद मैं कहूंगी आपको मूव योर हैंड्स, तो आप अपने हाथ थोड़े से ऐसे आगे पीछे मूव करेंगे। फिर मैं कहूंगी मूव योर हैंड्स इन साइकिलिंग मोड, तो आप थोड़ा सा ऐसे मूव करिएगा। ओके, आर यू रेडी टू डू दिस एक्टिविटी? डू यू वॉन्ट टू फील दिस एनर्जी, जिस एनर्जी से हम अपने आप को हील करते हैं, अपने ऑरा को हील करते हैं? आप स्पाइन स्ट्रेट कर सकते हैं, कोशिश करके स्पाइन स्ट्रेट करके बैठें। टंग टू योर पैलेट, अपने हाथ ऐसे रखें। इनहेल स्लोली होल्ड, एक्सहेल स्लोली होल्ड। आपका पूरा ध्यान दोनों हाथों के बीच में रहे। इनहेल स्लोली होल्ड, एक्सहेल स्लोली होल्ड। 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 स्लोली मूव योर हैंड्स आगे पीछे, हल्के से आगे पीछे करें, अपने हाथों को मूव करें। इनको साइकिलिंग मोड पे चलाएं, साइकिल जैसा चलाएं धीरे धीरे। अब
अब आप मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है अपने दोनों हाथों के बीच में? कैन यू फील समथिंग? यस, व्हाट डू यू फील? क्या फील हो रहा है आपको? फील सम एनर्जी, टेंशन? यस, मैग्नेटिक? यस, इन बिटवीन? यस यस यस, लाइक होल्डिंग अ बॉल? यस. व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी. ये एनर्जी कहाँ है? ये एनर्जी पृथ्वी के कण कण में समाया हुआ है. ये पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में ये एनर्जी है जिसे हमने अभी आज फील किया, और यही एनर्जी से हमारा एनर्जी बॉडी बना है, और यही एनर्जी हमारे हीलिंग का बेसिस है. और हम अपने इन्हीं हाथों से अपने ऑरा को हील कर सकते हैं, और अपने ही नहीं दूसरों के भी ऑरा को हील कर सकते हैं, जिससे इनडायरेक्टली उनका फिजिकल बॉडी भी हील हो जाता है. अब बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज हैं. हमारे हीलिंग मोडालिटी में बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज हैं जिसमें अलग अलग तरीकों से हीलिंग होता है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज ये जो पानी है, ये हमारा बॉडी है जिसमें डिजीज डर्टी एनर्जी है. ओके, ऑरेंज हो गया ये पूरा पानी, मतलब खराब हो गया है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया. तो काफी सारे मोडालिटीज ऐसी हैं, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज, तो वो क्या करते हैं, उसमें पॉजिटिविटी डाल रहे हैं. तो डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, कभी तो ऐसा एक टाइम आएगा कि जब ये पूरा पानी वाइट हो जाएगा, राइट? दैट मींस फिर वो बॉडी हील हो जाएगा. बट हम योग प्राण विद्या में, इस हीलिंग मोडालिटी में क्या करते हैं, ये जो डर्टी वाटर है ग्लास में, हम इसको पहले फेंक देते हैं, मतलब निकाल देते हैं. हमने निकाल दिया, थोड़ा सा जो रह गया उसको और अच्छे से क्लीन कर देते हैं. कैन यू सी दिस? ओके, एंड देन हम उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं. तो क्या हो जाता है, ये जितनी नीड है हमने सिर्फ उतनी पॉजिटिव एनर्जी डाली, ज्यादा हमें पॉजिटिव एनर्जी डालने की भी जरूरत नहीं है, राइट? तो दिस इज द सिस्टम ऑफ योग प्राणविद्या हीलिंग टेक्निक्स, जिसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके से हम अपने हाथों से हीलिंग कर सकते हैं. अब बेसिकली हीलिंग हम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे बॉडी में तो अपनी हीलिंग कैपेसिटी खुद की होती है, अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कैपेसिटी खुद की होती है. आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हमारा हाथ कहीं कुछ काटते काटते हल्का सा कट जाता है, या जल जाता है किचन में काम करते करते, तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं. हमें पता है ये ठीक हो जाएगा. जब बच्चा थोड़ा गिर जाता है तो माँ कहती है, अरे बच्चा है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. क्यों हम डॉक्टर नहीं जाते? अरे बॉडी की अपनी हीलिंग कैपेसिटी है, उसमें अपना कॉन्शियसनेस है, हमारे बॉडी में वो इंटेलिजेंस है कि वो खुद को खुद हील कर सकता है. जैसे हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स अपने आप काम कर रहे होते हैं, हम उन्हें इंस्ट्रक्ट नहीं करते ऊपर से कि ये काम करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंस्ट्रक्ट नहीं करते, वो अपना काम खुद करता है. ये सारे इनबिल्ट है हमारे अंदर, ये इंटेलिजेंट इनबिल्ट है हमारे अंदर. जैसे हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमें बोलना नहीं पड़ता कि हमें ब्लड की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पंप ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें ज्यादा ब्लड सर्कुलेट है, और जैसे ही हमें तो अपने में भी हो जाता है. सबकी हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो हीलिंग में हम क्या करते हैं, हम केवल उसकी जो ये हीलिंग कैपेसिटी है उसको हम सिर्फ बढ़ा देते हैं. सबकी अपनी अपनी एक हील, सबकी अपनी, जैसे उनमें तो हीलिंग किस पे डिपेंडेंट है, वाइटालिटी ऑफ द पर्सन. अगर वाइटालिटी ज्यादा है तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, हम अपने इन टेक्निक से उसकी वाइटालिटी बढ़ाते हैं ताकि वो जल्दी हील हो जाए. एम आई नॉट ऑडिबल? समबडी इज राइटिंग, वॉइस इज नॉट क्लियर. इज द वॉइस क्लियर रितिका जी? बीच बीच में ना वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके, आपको जब वीडियो की जरूरत हो आप तभी ऑन करें, जब जरूरत ना हो आप वीडियो ऑफ कर दें. अच्छा, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, अभी मुझे नीड नहीं. हाँ, वो बेस्ट रहेगा. ओके, लेट मी नो कि अगर अभी आवाज ठीक है.
यस अभी ठीक है। ओके ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करके बोलती हूँ। तो अब ये वाइटैलिटी जब हम बढ़ा देते हैं तो हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी अपनी, राइट? तो दैट मींस हीलिंग इज बेस्ड ऑन द वाइटैलिटी और द एनर्जी ऑफ द पर्सन। इसके अलावा हीलिंग किस पे बेस्ड है? एज पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 4 साल का बच्चा है, एक 40 साल का मिडिल एज पर्सन है और एक 80 ईयर्स का है, और तीनों को एक जैसी चोट लगी है, तो सबसे पहले कौन हील होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहले कौन हील होगा? ऑब्वियसली बच्चा। यस, बच्चा पहले ठीक होगा क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत है, उसकी हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा है। दैट मींस एनर्जी हीलिंग इज बेस्ड ऑन द वाइटैलिटी ऑफ द पर्सन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, अगर दो सेम एज के पर्सन है, से 45 ईयर्स के हैं दोनों ही, दोनों को सेम एक जैसी प्रॉब्लम है, पर उसमें से एक इंसान हमेशा खुश पॉजिटिव हैप्पी रहता था और दूसरा हमेशा नेगेटिव स्ट्रेस में रहता था, गुस्से में रहता था, तो दोनों में से जल्दी कौन हील होगा? ऑब्वियसली हैप्पी वाला। क्यों? क्योंकि उसके ऑरा में नेगेटिविटी कम है। हाँ, वॉइस अभी भी नहीं आ रहा है। अभी मुझे क्लियर आ रहा है, शायद जीतू को कुछ इशू है। ओके प्लीज गो अहेड रितिका जी। ओके ओके ठीक है। मैं इस तरीके से हीलिंग होता है। तो अभी हमने क्या समझा? फिजिकल हीलिंग के बारे में समझा। इसके आगे हम चलते हैं, फिजिकल हीलिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने हीलिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि हम कैसे हीलिंग करते हैं और अपने हाथों से हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। ये जो हमने आपको एक टेस्ट दिया एनर्जी का, ठीक है, इससे हम हर लेवल पे फिजिकल इमोशनल मेंटल किसी भी लेवल किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए ये सारी डिजीजेस को हम निकाल के इसके ऑरा को क्लीन और क्लियर कर देते हैं और फिर वो बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं और हीलिंग टेक्निक्स पे। अभी हमने ये सब समझा, इसके बाद और हीलिंग टेक्निक्स क्या है? हम अपने फिजिकल बॉडी को कैसे फिट ऑन फाइन कर सकते हैं? पहले तो राइट डाइट होना बहुत जरूरी है सबका। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। राइट डाइट और राइट फिजिकल एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये दोनों सही होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम अपनी बॉडी की हीलिंग कैसे कर सकते हैं? राइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। जब हम ब्रीद करते हैं तो हम कैसे ब्रीद करते हैं? आप अपने आंखें 2 मिनट बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दें। कैसे चल रही है आपकी सांसें? जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट मूवमेंट होता है कि आपका एब्डोमेन मूवमेंट होता है? आपका चेस्ट मूव करता है कि आपका एब्डोमेन? बोथ। ओके। आपने कभी छोटे बेबी को, जो न्यूबॉर्न बेबी, उसे सांस लेते हुए देखा है? उसका एब्डोमेन हिल मूव करता है आगे पीछे। दैट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द वेरी एसेंस, हमारा हमारे एग्जिस्टेंस का बेस है। हम जिंदा है ये कैसे जानते हैं? जब हमारी सांसें चलती हैं। तो हमें सांस लेने का सही तरीका आना बहुत जरूरी है। ये ही हमारे इस जीने का आधार है, सांसें। तो अगर हम सांस ही सही तरीके से नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आने के पूरे चांसेस हैं। तो आज हम सांस लेने का सही तरीका समझते हैं। जो सही तरीका वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। उससे क्या होता है, हम बहुत लंबी गहरी जब सांस लेते हैं तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारा प्राण वायु, एनर्जी, जो अभी हमने एनर्जी फील किया दैट इज एवरीवेयर, हम वो भी अपने
सांसों के द्वारा लेते हैं और हम बहुत उससे वो हमारे ऑरा में वो पूरा एनर्जी जाता है और हमारा ऑरा उससे क्लीन होता है, उसमें बहुत फ्रेश एनर्जी जाती है, फ्रेश प्राणा जाता है और हम हेल्दी होते हैं, क्योंकि हम अपने इस लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इसमें रहते हैं, तो हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते हैं इस और ज़्यादा एनर्जी नहीं लेते हैं, इसलिए हमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम जो हमें जो डोज चाहिए एनर्जी का वो हमें नहीं मिलता। तो क्या आप मेरे साथ ये सही तरीका करना चाहते हैं, ब्रीदिंग का समझना चाहते हैं आप लोग? अगर पॉसिबल है तो कंफर्टेबली बैठ जाइए विथ योर स्पाइन स्ट्रेट। स्पाइन स्ट्रेट रखने से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारा एनर्जी रिसीव करते हैं और वो हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो कोशिश करके स्पाइन स्ट्रेट करके बैठें, जबान तालू से लगाएं, वन जब हम टंग पैलेट पे लगाते हैं तो भी हम बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। आपका एक हाथ एब्डोमेन पे रखें, आपके पेट पे रखें, अब लंबी गहरी सांस लें और आपका पेट फुलाएं, पेट को बाहर आने दें और होल्ड करें, फिर धीरे से सांस छोड़ें, पेट अंदर, धीरे धीरे अंदर और होल्ड, फिर एक लंबी गहरी सांस लें, पेट बाहर, होल्ड, धीरे से सांस छोड़ें, पेट अंदर, होल्ड। ऐसा करते हैं जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे ऑरा को वो एनर्जी मिल जाती है, वो वाइटालिटी मिल जाती है, तो हमारी ऑटोमेटिकली हीलिंग भी हो जाती है, राइट? हमने एक तरीका समझा जो हम हाथों से कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, ये एक तरीका और है जिससे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो आप यूं ही बैठे रहें, आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, हम अपनी हीलिंग करने की कोशिश करते हैं इससे। अब हमारा जो माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, हम अपने इस माइंड के पावर को यूज ही नहीं करते हैं, बहुत पोटेंशियल है इस माइंड में, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, हम जैसा चाहे हमारा माइंड हमसे वो करवा सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इस माइंड के पावर को यूज करेंगे और डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकालेंगे और पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करेंगे। जब हम ऐसा सोचते हैं, हमारा इंटेंशन होता है, तो वो हो जाता है। जैसा मैं सोचती हूँ, एनर्जी विल फॉलो माय थॉट। ये हमारे माइंड का पावर है जिसे आज तक हमने अब यूज ही नहीं किया है, तो आज हम अपने इस माइंड के पावर को ब्रीदिंग की हेल्प से यूज करते हैं और अपनी हीलिंग करते हैं। सो आर यू ऑल रेडी? आप स्पाइन स्ट्रेट करके ही रखेंगे, टंग पैलेट पे रखेंगे, अगर आपके पैर क्रॉस्ड हैं तो उनको अनक्रॉस कर दीजिए, आपके जो हथेलियां हैं वो खुली रखिए। यूज दिस टाइम टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी इनसाइड योर माइंड एंड बॉडी। इनहेल पॉजिटिविटी, आप इमेजिन करिए पॉजिटिविटी आप इनहेल कर रहे हैं, होल्ड, एक्सहेल ऑल द स्ट्रेस, पूरा स्ट्रेस निकाल दीजिए बॉडी का, आपका थॉट बहुत पावरफुल है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, होल्ड, इनहेल पीस, आप बहुत शांति को एब्जॉर्ब करिए, होल्ड, एक्सहेल ऑल योर वरीज, सारी चिंताओं को बाहर छोड़ दीजिए, होल्ड, इनहेल ऑप्टिमिज्म, होल्ड, एक्सहेल पेसिमिज्म, होल्ड,
Inhale, good health. Hold. Exhale, bad lifestyle, bad habits. Hold. आप अपने मन से एक दो राउंड्स खुद करें, जो आपको लगता है आपके अंदर से आपको निकालना है वो आप निकालें. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड. अब आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, पहले से कैसे चल रही है ये सांसें. जिन जिन लोगों ने किया है ये, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है. काम, यस. जिन लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया था उनकी सांसें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं और अब कैसे चल रही हैं. लाइट एंड एनर्जेटिक, यस. काम, फीलिंग लाइट, यस. जैसे ये एक्सरसाइज हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हम लाइट फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं. क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा लेते ही हैं, उसके अलावा हम ये जो प्राण है, ये जो एनर्जी है, जो प्राण वायु है हर जगह, जो हमारे एग्जिस्टेंस का बेस है, वो भी हम लेते हैं. और इससे हमारे जो ऑरा में डिजीज डर्टी एनर्जी है वो रिलीज भी हो जाती है और फ्रेश एनर्जी आ जाती है. इसलिए हम एनर्जाइज फील करते हैं. और ये हमें सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी पीस देती है, हील करती है हमारे हर लेवल पे. ओके, नाउ वी विल डू वन मोर हीलिंग टेक्निक. एक तो हमने फिजिकली हीलिंग देखा हाथों से, फिर हमने ब्रीदिंग देखा. एक फिजिकल लेवल पे था, एक और लेवल पे था. अब हम आते हैं इमोशनल लेवल पे हीलिंग. इमोशनल लेवल पे हीलिंग क्या होता है कि हम बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है. हमारे सबके साथ रिलेशनशिप या हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते. तो पर हमारी एक हैबिट रहती है कि हम जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं. गुस्सा, हेट्रेड, जो भी होता है ये हम होल्ड करके रखते हैं. हम ये नहीं समझते कि जो गुस्सा है इट इज़ लाइक एक जलता हुआ कोयला है, इट इज़ लाइक अ बर्निंग कोल, इज बर्निंग अस ओनली. वो हमें ही जला रहा होता है, हमारी ही एनर्जी को कम कर रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है. धीरे धीरे वो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकता है. सो वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू? उसको फेंक दें, उसे मन. सो ये नेगेटिव इमोशंस को हम मन से निकाल दें. कई लोग कहते हैं हम चाहते तो हैं पर मैं भूल नहीं सकती. सो आज हम एक टेक्निक सीखते हैं जिससे हम अपने अंदर के इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकें. जो हम एक एनर्जी कनेक्शन से, जैसे हमने कहा था पहले, इमोशंस भी एनर्जी है. और कोई हमें जब याद करता है या हम किसी को याद करते हैं तो हम एक एनर्जी से उनसे जुड़ जाते हैं, जो इमोशनल एनर्जी होती है. तो अगर वो नेगेटिव एनर्जी है, गुस्से की है, तो हमारी वो एनर्जी कनेक्शन की वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, हमारा ऑरा खराब हो जाता है और हमारी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो ये जो नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए हम ये टेक्निक समझते हैं, फॉरगिवनेस, माफ करने की टेक्निक, फॉरगिवनेस साधना, मेडिटेशन ऑन फॉरगिवनेस. ये हमारे डीप कॉन्शियस माइंड में जो भी छुपे हुए नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस हैं उन सबको निकाल देता है. सो लेट्स डू दिस टेक्निक टुगेदर. अगेन वी विल यूज द पावर ऑफ आर माइंड. हमारा जो माइंड है, जैसे मैंने कहा, बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत पोटेंशियल है. तो अभी हम उसके विजुअलाइजेशन पावर को यूज करते हैं. हम अपने सामने उन सब लोगों को विजुअलाइज करते हैं जिन जिन लोगों ने मुझे तंग किया, जिन जिन लोगों की वजह से मुझे परेशानी है, जिन जिन लोगों की वजह से मुझे तकलीफ हुई, जिनके लिए मैंने इतने नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर रखे हुए हैं. और ये सारे नेगेटिव इमोशंस
हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें ही तंग कर रहे हैं, हमारी ही एनर्जी को खराब कर रहे हैं, हमारे ही फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह बन रहे हैं. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रिलीज ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, बिकॉज दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, दिस इज़ द स्मार्ट थिंग टू डू टू फॉरगिव. सो इमेजिन ऑल दोज पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने उनको इमेजिन करिए. हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, जब हम बोलते हैं हम इमेजिन करते हैं तो हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारे सामने आ जाते हैं. विल स्माइल, लुक एट देम एंड स्माइल. इफ पॉसिबल जॉइन योर हैंड्स, कीप इट क्लोज टू योर हार्ट, स्माइल एट देम. मे बी इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्माइल करना, बट दिस इज द ओनली वे यू कैन रिलीज ऑल द नेगेटिव इमोशंस टूवर्ड्स देम. यू आर होल्डिंग दोज इमोशंस, सो रिलीज इट नाउ. स्माइल, से यू कैन मेंटली से आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू, मैं आपके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ. आई सल्यूट द डिवाइन एसेंस इन यू. हम सब में कुछ अच्छी और कुछ बुरी क्वालिटीज़ हैं. हम कभी कुछ अच्छा करते हैं और कभी कुछ बुरा करते हैं, कभी जानबूझ के करते हैं, कभी अनजाने में करते हैं. नोइंगली एंड अनडोइंगली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वी डू वी से थिंग्स विच आर अनहोलसम. आई फॉरगिव यू फॉर ऑल द अनहोलसम थिंग्स यू हैव सेड and done to me, for all the times you have caused pain to me. I forgive you. You are forgiven. The matter is closed. उनके लिए जितने भी आपके मन में नेगेटिव इमोशंस हैं, इमेजिन करिए, आपके माइंड को यूज करिए, उन्हें रिलीज करिए एंड से मे यू गो इन पीस. आप उसे ब्लेस करिए पीस से, शांति से जाइए. रिलीज ऑल योर नेगेटिव इमोशंस विच यू आर होल्डिंग टुवर्ड दैट पर्सन. नाउ अब आपको क्या करना है, आपके जो हाथ है आपको चेस्ट लेवल पे ऐसे रखने हैं, ब्लेसिंग पोजिशन में. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस एंशियंट इंडियन टेक्निक ऑफ ब्लेसिंग and we are going to become channels to send positive energies to all those people who have hurt us. Sirf maaf karna hi nahi zaruri hai, unko bless karna bhi zaruri hai. Jab hum maaf karte hain to wo jo negative energies to release ho jati hai, khatam ho jati hai, par us space mein positive energy ko bharna zaruri hai. So what will we bless them with? Smile again and bless them peace, love, forgiveness. Bless them with abundance and prosperity. अब हम एक शांति मंत्रा यूज करेंगे. ऐसे ही ब्लेसिंग पोजिशन में हाथ रखिए. दिस मंत्रा इज वेरी पावरफुल. हम उनके लिए पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ एक मंत्रा यूज करेंगे. मैं एक बार बोलूंगी, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम या तो मेरे साथ या मेरे बाद चैंट कर सकते हैं. ओम शांति 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 ओम, 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 शांति 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 ओम. कीप ब्लेसिंग देम, इस पॉजिटिव एनर्जी से उन्हें ब्लेस करिए. फील दैट यू हैव रिलीज्ड ऑल योर नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स देम.
महसूस करिए कि आप दोनों के बीच का जो नेगेटिव कनेक्शन था वो पूरा ख़त्म हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है, पूरा रिलीज हो गया है। अब अपने हाथ नीचे रखें। जिन जिन लोगों ने ये किया उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? हाउ डू यू फील नाउ? लाइट एंड पॉजिटिव, काम। यस यस, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज में भी एक बोझ होता है, भारीपन होता है। जैसे ही हम उनको रिलीज करते हैं तो हम एक हल्कापन अपने अंदर महसूस करते हैं। लाइट, वी फील लाइट, वी फील पॉजिटिव। अब हमने दिया, हम देते क्यों हैं पहले? क्योंकि देने में पाना निहित है। जैसे संपर्क का ही वो है, दातृनाम लाभः, देने में पाना निहित है। इसलिए जब हम देते हैं तो कुछ हम पाने के हकदार होते हैं। जो हम देंगे हमें वही मिलेगा। हम पीस देंगे तो हमें पीस मिलेगा। हम प्रॉस्पेरिटी ब्लेस से ब्लेस करेंगे तो हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हम एंगर देंगे तो एंगर मिलेगा, राइट? तो अब हमने क्या किया, हमने फॉरगिवनेस दिया। अब गलती तो हर कोई करते हैं, दूसरे करते हैं, तो क्या हम गलती नहीं करते? क्या हमसे कभी किसी का दिल नहीं दुखा होगा हमारी वजह से? कितनी बार हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं, बहुत प्रेसिंग सिचुएशंस रहती हैं, तो हम हड़बड़ी में, रेसलेस में किसी को कुछ बोल देते हैं, स्पेशली अपनों को, हमारे बच्चों को, हमारे स्पाउस को या हमारे कोवर्कर्स को। जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जो उन्हें हर्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन सब लोगों से माफी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी वजह से हर्ट हुए हैं, तो उनके मन में जो नेगेटिव एनर्जी है हमारे, वो में हमारे बीच में, हमारे प्रोग्रेस के बीच में आएगी, वो मुझे अफेक्ट करेगी, तो मुझे भी उन एनर्जी से रिलीज होना है। सो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन अपने इस माइंड के पावर को यूज करेंगे और उन सबको अपने सामने इमेजिन करेंगे जो जो मेरी वजह से तंग हुए हैं। आप उनको इमेजिन करिए, जो जो आपकी वजह से तंग हुए हैं वो आपके सामने आ जाए। अगेन हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हार्ट के पास रखेंगे और बोलेंगे, आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू। मैं आपके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। आई सल्यूट द डिवाइन एसेंस इन यू। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करिए और शांति से जाइए। गो इन पीस। इमेजिन दैट ऑल द नेगेटिव कनेक्शंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन और मे बी ग्रुप ऑफ पर्सन इज गेटिंग रिलीज्ड। नाउ अगेन कीप योर हैंड्स इन ब्लेसिंग पोजिशन। अब उन्हें फिर ब्लेस करते हैं हम उसी शांति मंत्रा से। ये मंत्रा बहुत पावरफुल है। इससे जो हमारे बीच का जो नेगेटिव कनेक्शन है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। एक बार मैं बोलूँगी, उसके बाद आप मेरे साथ बोलें या मेरे साथ रिपीट करें या मेरे बाद बोलें। ओम शांति 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 ओम। 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 गो इन पीस। ब्लेस करिए उसे। इस तरीके से आप उस नेगेटिव कनेक्शन को खत्म कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आप खुद को भी इसी मंत्रा से ब्लेस करते हैं, क्योंकि हम कई बार अपने लिए भी नेगेटिव थॉट फॉर्म्स रखते हैं, हम खुद को बहुत हर्ट करते हैं, हम खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ये हुआ, वो हुआ, और मैं खुद को माफ नहीं कर सकते।
तो इसी शांति मंत्रा से हम खुद को भी ब्लेस करते हैं। आज मेरे ख्याल से टाइम कम है, तो हम खुद को घर पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद ही। हम आगे बढ़ते हैं, हम एक लास्ट टेक्निक देखते हैं। अब हमने फिजिकल लेवल पे हीलिंग देखी, ऑरा के लेवल पे देखी ब्रीदिंग, हमने इमोशनल लेवल पे फॉरगिवनेस प्रेयर समझा। अब हम मेंटल लेवल पे अपनी हीलिंग को समझते हैं, एक ये लास्ट टेक्निक करते हैं जो हमें मेंटल लेवल पे हील करेगी। जैसे हमने अभी समझा, जो हमारा माइंड है इसमें एंडलेस पोटेंशियल है, इसमें सोचने की, इमेजिन करने की, क्रिएट करने की बहुत पोटेंशियल है, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने की, अपने अंदर झांकने की बहुत पोटेंशियल है। हम अपने इस माइंड के पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज ही नहीं करते, उसकी पूरी कैपेसिटी को यूज ही नहीं करते। अब हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं जो हमें नहीं चाहिए रहती हैं, जो हमें पता है कि ये अनहोलसम है, ये सही नहीं है, ये जो मैं सोच रही हूँ वो सही नहीं है, बट वो जो एनर्जीज होती हैं वो हमें अफेक्ट कर रही होती हैं, राइट? अब हम उनसे छुटकारा कैसे पाएं, उन्हें अपने शरीर से बाहर कैसे निकालें? तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे हम अभी कर रहे हैं। इसे कहते हैं डीप इनर रिफ्लेक्शन इनटू योर ओन माइंड। दिस इज कॉल्ड द व्हाइट बोर्ड टेक्निक ऑल्सो। इसमें आपको क्या करना है, अपने सामने एक व्हाइट बोर्ड को इमेजिन करना है। व्हाइट आई एम सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यूज आ गए थे। अब मैं एम आई ऑडिबल नाउ? यस, हम सुन पा रहे हैं। हमें लगा शायद हमें ध्यान करना है। हाँ जी, अब हम एक स्क्रीन टेक्निक करेंगे। अपने सामने एक व्हाइट बोर्ड इमेजिन करेंगे, व्हाइट बोर्ड जैसे जिस पे हम लिखते हैं ना, वैसा एक बोर्ड इमेजिन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड के पावर को यूज करके हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट फॉर्म्स हैं उनको निकाल रहे हैं। तो जैसे हम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट निकालते हैं, वैसे ही हम इन नेगेटिव थॉट फॉर्म्स को निकाल के इस व्हाइट बोर्ड पे हम डाल सकते हैं। जो मेरा थॉट है, जो मेरा माइंड है, वो जो भी इंटेंशन करता है वो होता है। तो अगर मैं अपने अंदर से नेगेटिव थॉट फॉर्म को निकालती हूँ तो वो एक्चुअली निकल जाता है। ओके, यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस। यू हैव टू रिमूव इट एंड पुट इट इन द स्क्रीन, राइट? अब क्या है आपके अंदर 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 अनहोलसम है, जो आपको सही नहीं लगता, या आपको बहुत गुस्सा आता है? यू वॉन्ट टू रिमूव योर एंगर, रिमूव इट एंड पुट इट ऑन द स्क्रीन। यू आर ऑलवेज रेस्टलेसनेस, आपके अंदर रेस्टलेसनेस है, रिमूव इट एंड पुट इट ऑन द स्क्रीन। आप उसको अपनी स्क्रीन पे डालिए। आपको क्या लगता है आपके अंदर ज़्यादा है ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है? क्या आपको किसी के लिए नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा है, डर है आपके अंदर?
क्या आपको डाउट्स है, अनसर्टेनिटी है, क्या आपको कोई फियर्स या फोबियाज हैं जो आपको नहीं चाहिए, निकालिए उनको और डालिए उस स्क्रीन में। क्या आप बहुत लेजी हैं, आप अपने काम सही वक्त पे नहीं करते, आपको ये अनहोलसम हैबिट नहीं चाहिए, निकालिए और डालिए इस स्क्रीन पे। ये जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है, मैं जो सोचूंगी वो एक्चुअली मेरे अंदर से निकलता है और स्क्रीन में चला जाता है। मेरे अंदर कोई सैडनेस है, दुख है, मुझे बार बार मैं दुखी हो जाती हूँ कोई चीज़ को लेकर के, और उससे निकालिए और स्क्रीन पे डालिए। क्या मैं बहुत पेसिमिस्टिक हूँ या मुझे बहुत नेगेटिव थॉट फॉर्म्स आते हैं, वो सब निकालिए और डालिए स्क्रीन पे। अब हमें क्या करना है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, जैसे हमारा लिखना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको डस्टर से इरेज करते हैं। ऐसे ही हम अपने माइंड के पावर को यूज़ करते हुए ये जो मेरा राइट हैंड है उसको मैं एक डस्टर के जैसे यूज़ करूँगी। ये जो व्हाइट बोर्ड है मैं उस पर उसमें जो भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने डाला हुआ है अभी, उसको मैं इरेज करूँगी। किस से, ये यहाँ पे एक मैं आप ये यहाँ पे एक सेंटर होता है, ये सेंटर होता है डिवाइन एनर्जी का। तो मैं अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखूँगी और डिवाइन एनर्जी के माध्यम से मैं ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको इरेज करूंगी। लेफ्ट टू राइट अपना हाथ मूव करेंगे, वो जो भी है वहां पे वो इरेज हो जाएगा। हम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं इसमें, इसको इरेज कर रहे हैं। वो पूरा इरेज हो गया, वो खत्म हो गया, निकल गया। आप ये सोचिए कि आपके दिमाग आपने जो अपने अंदर से निकाला वो चला गया एक्चुअली। उसमें कोई डाउट मत रखिए कि ये नहीं गया या ये कोई टेक्निक काम करती है क्या। ये टेक्निक काम करती है बिकॉज हमने अपने माइंड का अपने माइंड के पावर को यूज़ किया है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। कभी भी आपको कोई इस तरह के थॉट फॉर्म्स आते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, कोई एक जगह पे, खाली जगह पे जाके बैठे और अपने अंदर से ये रिमूव करें। ये प्रैक्टिस हम स्पेशली रात को सोते समय कर सकते हैं। हम जो दिन भर कितने थॉट फॉर्म्स लेके रात को सोने जाते हैं, स्पेशली हम टीवी देख के या मोबाइल यूज़ करके सोते हैं, तो ये सारे थॉट फॉर्म्स हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो हम रात को जब ये टेक्निक करके सोते हैं तो हमें बहुत पीसफुल नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो जब भी हम डिस्टर्ब्ड हों ये हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सो ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरा स्क्रीन शेयर करना था मुझे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो कैन यू सी द स्क्रीन? अभी तक हमने सारी जो टेक्निक्स थी हीलिंग की वो समझ ली। फिजिकल लेवल पे जो हम फिजिकल हीलिंग करते हैं, जो हम हाथों के द्वारा करते हैं, वो टेक्निक्स आप हमसे सीख सकते हैं। हमने हीलिंग ब्रीदिंग के माध्यम से सीखी, हम कैसे औरा को हील कर सकते हैं। माफ़ी की साधना के द्वारा हमने देखा कि कैसे हम इमोशनल लेवल पे अपने आप को हील कर सकते हैं। और हमने डीप रिफ्लेक्शन की टेक्निक से समझा कि हम कैसे अपने आप को मेंटल लेवल पे हील कर सकते हैं। इसमें से मैक्सिमम टेक्निक्स इस एक ऐप में है, YPV साधना ऐप, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, और आप कभी भी ये आप बैठ के कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। स्टे सेफ एंड हील योरसेल्फ विद ऑल दीज टेक्निक्स and stay healthy. Thanks Ritika ji, thank you very much. Yeah, I'm sorry for all the inconvenience jo beech mein audio ka aur iska hua, extremely sorry for that. Ek jab nahi koi baat nahi, kaam karne se hum log seekhte hain. Ek chhota sa feedback, aapke ghar ke net connection ki speed kam hai to ye us wajah se ho raha hai. Maybe usko fix kara dijiyega. जैसे कि रितिका जी ने कहा कि YPV की एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वैसे ही हमारे संपर्क का एक यूट्यूब चैनल है,
अपने संपर्क के जितने भी गुरुकुल ट्रेनिंग्स होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी मेंबर्स आते हैं हर चैप्टर में, या बिजनेस प्रेजेंटेशन होते हैं या परिचय होते हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं। मेरा सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसमें से जो ट्रेनिंग्स आपकी मिस हो गई हैं वो अटेंड कीजिए, देखिए। बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर ट्रेनिंग है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं श्रेया जी को आमंत्रित करना चाहूंगा इसके साथ ही, मतलब मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। श्रेया जी वोट ऑफ थैंक्स देंगे। श्रेया जी, ओवर टू यू फ्रॉम हियर। यस, सो रितिका, दिस वाज अ ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड एंड प्रेजेंटेड योग प्राण विद्या फॉर द संपर्क मेंबर्स, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी ऑल हैव यू नो स्ट्रेसेस एंड नेगेटिविटी, एंड द टेक्निक्स दैट यू हैव टॉट for converting yes. and channelizing the energy at physical level or aura level or mental level, and these small very easy techniques which you can just do it when you are working in your office or wherever you are, so they are very interesting, and I'm quite sure that everybody will benefit. The forgiveness the forgiveness technique also is very very important, because when we are living in this conscious world, so a lot of things happen where you tend to accumulate a lot of negativity and stresses because of the forgiveness not being there. So your method was pretty deep, and I'm quite sure that everybody is charged up with their own mind, body and soul, and thanks a lot for taking out time and presenting your yoga pran vidya technique. And I'm quite sure if you can put the link of your that app also, some of them will definitely download and absolutely. So thank you, Ritika, for coming in and sharing your vidya with us. Thanks a lot. Thank you Sampar, for giving me this opportunity. Yeah, and members, I also want to thank you for taking out time to look at introspect and look after your own health. So it's very important that we look after ourselves also. Everybody, I want to put one more point. Those who have done the screen technique last okay. after doing that screen technique, you can do one more thing. Since the screen is empty, let's not keep that screen empty, put some positive seeds in that. That's also good. Yes, so that is one. Yeah, so what we can affirm with that, I am constantly radiating goodness, I am constantly radiating good health, I am becoming better, better, better in all aspects of my life. Whatever you want, I am forgiving. Whatever affirmations you want to put, you put those and sleep. You will feel much better. They can even put affirmations about their current business scenario. Yes, absolutely. And to drive away corona also. Absolutely. When you do these, the beauty of these techniques are that these techniques are very simple and you can do it anywhere. Yes, and believe me, they are very effective as well. You did it very well. You presented it also in a very nice and calm manner. So, thanks a lot for the presentation, and it was pretty useful. Thank you so much. So, thanks a lot, everybody, and have a splendid Sunday ahead. Thank you, everybody.